हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। थर्सडे है आज, 7:30 बज रहा है। फटाफट कुछ नहीं करना है मेरे को, सिर्फ थोड़ा झाड़ू पोछा कर दूंगी। आप लोग सोच रहे हो आंटी क्यों नहीं आई है, आ रही है करके, वो गांव गई हुई है भैया। अब आएगी तो हटा दूंगी, क्योंकि इतना छुट्टी मारने वाले को मैं नहीं रख सकती। खैर, वो अलग बात है। पता है कल हम लोग डोंगरगढ़ गए थे। अभी पता है कल हम लोग दिन में आए हैं, मतलब वही हम लोग को आते आते 2:30 बज गया था। जब स्टेशन से स्कूटी चला के आ रही थी ना, लग रहा था खाली पैर जल गया मेरा, इतना कड़ा धूप था, पूरा पैर जल गया था मेरा। हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। जैसे घर पहुँचे हैं वैसे फटाफट बाल वाल धो करके, क्योंकि आज थर्सडे तो आज तो बाल वाल धो के नहीं नहाती हूँ, बाल वाल धो के एकदम फटाफट नहा धो करके जो बेडरूम है उसको थोड़ा साफ़ करके, साफ़ उफ करके गई थी फिर भी थोड़ा सा। उसके बाद में फिर जो है फटाफट बिस्तर उस्तर बिछा करके एकदम जो सोए हैं कल, मतलब समझ के चलो आप लोग 3 बजे से, थोड़ा सा इतना सा मोबाइल चलाएं उसके बाद जो सोए हैं अब भी उठे हैं 6:30 बजे। मतलब मैं उठी हूँ 6:30 बजे, 6:30 बजे के बाद। अभी आज मेरे को थोड़ा लेट हो गया, मोबाइल घाटने लग गई बैठ के, इस वजह से। ऐसा कुछ नहीं, फटाफट कर लूँगी झाड़ू पोछा, क्योंकि मेरे को पूजा करना रहता, थर्सडे है तो यही बैठी हूँ अभी। और सोची कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह कर दूँ, तो ये अब मेरी ब्लॉग आ जाएगी। कल तो डोंगरगढ़ वाला ब्लॉग आप लोग को कब आएगा पता नहीं, आजकल इसके बाद ही ये वाला ब्लॉग आएगा, ये कब आएगा नहीं पता, जैसे जैसे एडिट करते जाऊंगी वैसे वैसे। तो डोंगरगढ़ वाला ब्लॉग जो है, होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, व्यूज़ वगैरह के हिसाब से बहुत अच्छी ये है। और ये वाले ब्लॉग्स में थोड़े छोटे मोटे क्रंच तो आएंगे ही, क्योंकि मेरे को तो क्रेविंग है। मैंने ब्लैक का ऑर्डर किया हुआ है, वो आ जाए मेरा। और जितना मेरे पास ब्लैक था ना, एक बड़ा सा सेलस्टोन था, बड़ा सा सर्कल था, जितना बड़ा बड़ा वो बार था, वो सब मैं खा के ख़त्म कर दी हूँ। विदाउट मुझे येलो डॉलर ग्रीन डॉलर से मतलब नहीं, मैंने खा के सब ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास में स्लेट आइटम बहुत कम पड़ा है, तो उसी को मैं थोड़ा बहुत खाऊंगी। और समीना दी से ही ऑर्डर की हूँ, साथ में वो भी ऑर्डर किया छोटा छोटा मिनी वाला ग्लास। तो प्रॉपर आप लोगों को क्रंच की वीडियो अब मेरी नहीं मिलेगी जब तक कि मेरा चैनल ठीक नहीं हो जाएगा, ठीक है। और अगर अगर मेरे चैनल बाय द वे ठीक भी हो जाता है, तो मैं कोई एक चैनल पे ही क्रंच की वीडियो रखूँगी, ठीक है। लेकिन ये जो चैनल पे मैं ब्लॉग डालूँगी, इस पर ऐसे ही आएगा आप लोगों, इससे मेरा मतलब जिन लोगों को मेरे बात करते करते क्रंच करना पसंद है, प्लस जिन लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद है, वो आप लोगों को इस तरह मिल जाएगा। और सीधा करके मिलेगा, क्योंकि सीधा में इसलिए मिलेगा क्योंकि शॉर्ट मिनी ब्लॉग भी इसी में करके मैं डाल दूँगी, फुल ब्लॉग देखना होगा तो इसमें। और इसमें थोड़ा सा मैं जो भी कॉमेडी वे पे करूँ या डांस वे पे, एलिपसिंग वे पे, वो मिलेगा। जो मेरा छोटा वाला चैनल है शॉर्ट वाला, उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ खाने का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करके बताना। रास वाला भी बड़ा वीडियो, बड़ा चैनल पे, तो बड़ा चैनल पे मेरी कोई भी वीडियो नहीं आएगी, मैं उसमें कभी कभार लाइव आ जाऊँगी, वो भी मस्ती करने के लिए। किसी के भी थर्ड पार्टी के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, और जो बात करेगा मैं सीधा ब्लॉक कर दूँगी। सीधी बात बोल रही हूँ, मुझे शांति चाहिए। मैंने अपने लाइफ का 2 साल इस तरह की चीज़ों में बर्बाद कर दिया है, मुझे नहीं करना। ना मैं पहले ऐसी थी, ना मैं अब वैसी हूँ, ना मुझको लड़ाई झगड़ा पहले पसंद था ना अब पसंद। अगर मैं लड़ाई झगड़ा वाली होती तो होप मेरे पास सब कुछ होता, ठीक है, सीधी बात है। और मेरे पास, मेरे को पता है मेरे पास कितना टैलेंट है, और ये टैलेंट पब्लिक बताएगा, लोगों के कुछ लोगों के बोल देने से नहीं होता, टैलेंट पब्लिक बताता है। अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं अपना टैलेंट दिखाऊं, अपना चैनल बढ़ाऊं। ऑब्वियस है मेरे को मेरा चैनल बढ़ाना है, ऑब्वियस है कि मैं यूट्यूब में लड़ाई झगड़ा मट्टी खाने तो नहीं आई थी, टैलेंट दिखाना है, अपना चैनल ग्रो करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, ताकि 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 यूट्यूब से मेरे को बहुत अच्छे से, मुझे मेरा भी एक जो पैसा पैसा का वो है वो भी निपट जाए, साथ में तो दुकान है ही। बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए, ऑल द बेस्ट बोल देना सबको ही मुझको। मैं इसके बाद में ज़िंदगी में कभी 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 कितनों भी कोई कुछ कर दे, कितनों भी कुछ बोल दे, मुझे पता है आप लोग बोलोगे सुनो तुम बोलती हो पर करती नहीं, नहीं ये बात आप लोगों की सच है, क्योंकि ना जितना मैं सुनी हूँ ना इतना कोई भी नहीं सुना है। इसीलिए मैं थोड़ा सा बोल सकते हो मैं बौखला जाती हूँ या कुछ भी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि जो दुनिया में देखो, दुनिया में अगर आगे बढ़ना है ना तो शांत रहने में ही भलाई है। धोनी को देख लो, आज वो वर्ल्ड कप जीत गया, आज उसके पास शोहरत है। धोनी, हाँ धोनी कहाँ का है? धोनी मेरे शहर का है, रांची जमशेदपुर, ठीक है, मैं उस जगह से बिलोंग करती हूँ। तो धोनी जैसा इंसान जब इतना कुछ के बाद भी शांत हो के आज देखो कितना नाम कमा लिया। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत लोग हैं,
सबसे बेस्ट उपाय, शांत रहो, अपना चैनल पे ध्यान दो, बस पब्लिक देख लेगा क्या है, अगर टैलेंट है तो पब्लिक सपोर्ट करेगा, नहीं है नहीं करेगा, क्या है ना, गलत बोल रही हूँ। चलिए फटाफट आज का मैं व्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या बना रही हूँ। वैसे मेरे को कुछ बनाना नहीं खास मेरे पास, मैं चाय बनाई थी, अभी कॉफ़ी आज नहीं पी हूँ। मेरे पास ऑलरेडी दाल बनाऊँगी और भिंडी रखी हुई, भिंडी का भुजिया सिंपल, और चावल बना दूँगी बस। चना का सब्जी पड़ा हुआ है, थोड़ा सा उसको खा लेंगे। चलिए आज थोड़ा सा वो मैं फटाफट काम कर लूँ, उसके बाद करती हूँ। और कल से फिर से मैं मॉर्निंग में उठी, मुझे मॉर्निंग में उठना बहुत मज़ा आया। कल का जो डोंगरगढ़ का नज़ारा था ना, मॉर्निंग वाला, 4 बजे भोर में हम लोग जब सीढ़ी चढ़ रहे थे, हाय हाय क्या नज़ारा था। खाली चारों तरफ खाली चिड़ियाँ और वो जो जानवर की क्या बोलते हैं वो जानवर का नाम, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है वो वाला जानवर, चिड़िया, बंदर लोग सो रहे थे करके, है ना। मेरे को तो डर लगा हुआ था क्योंकि वहाँ पर 2-3 लियोपार्ड घूम रहे थे, मेरे को तो डर लगा हुआ था कहीं से आ जाए करके, क्योंकि मेरे को हमेशा लियोपार्ड और ख़ास करके शेर का सपना आता है, अभी नहीं आता है। एक दिन एक जन ने बोला था बहुत दिन पहले कि माता रानी को फूल चढ़ाना, लाल वाला फूल चढ़ा करके पूजा करना उनको नवरात्रि के टाइम में रोज़, तो मैंने किया था, तब से नहीं आता। तो उसके बाद में खैर मेरे को डर लगता है, मैं वीडियोस वगैरह भी देखती थी, मुझे थोड़ा डर लग जाता है। तो हम लोग चढ़ रहे थे, क्या नज़ारा था, और जब सूरज ऐसे नहीं उग रहे थे ना, हाय हाय क्या दिख रहे थे। शायद रणवीर ने उसको वीडियो में लिया होगा, और मेरे शॉर्ट वीडियो में एक मैं और रणवीर जो है ना डाले हैं, देखना मस्ती करते हुए। फिर हम लोग एक दोनों माँ बेटा चैलेंजिंग फूड भी लाएंगे आप लोगों के सामने, थोड़ा सा सब करूँगी, लेकिन सपोर्ट आप लोगों का चाहिए, प्यार चाहिए, लव्स चाहिए, लाइक्स चाहिए। जिन लोग मुझे बहुत मानते हैं, इज्जत देते हैं, मैं उन लोगों से बोल रही हूँ, और जिन लोगों को मेरा कुछ भी नहीं पसंद है, मैं उन लोग से कोई एक्सेप्ट कर भी नहीं सकती सिवाय क्रंच का। तो चला जाए, काम किया जाए, अंधेरा अंधेरा लग रहा है। ओके मिलते हैं थोड़ी देर में, फटाफट काम वाम ख़त्म होने के बाद में। हाँ तो फ्रेंड्स, नहाना धोना भी हो गया, पूजा पाठ भी हो गया है। मैं बाल को मोड़ के रखती हूँ, क्योंकि मैं किचन में जब भी खाना बनाती हूँ ना, मैं बाल मोड़ देती हूँ, ताकि वो क्या है ना, बाल गिरने का वो रहता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता खुला बाल में किचन में जाना। पूजा वूजा भी हो गया, रणवीर नाश्ता कर लिया है। देखिए यहाँ पर मेरे 3 दिए जलते हैं, आप लोग सोचते होंगे किस बेस में ये दिया है। ये एक दिया जो है ये विष्णु जी के लिए है, जगन्नाथ भगवान विष्णु जी का। बीच वाला दिया गणेश लक्ष्मी के लिए, क्योंकि आज गुरुवार है। और ये वाला दिया पूरा जो सबका खंडित दिया होता वो है। और आज के दिन मैं पीला क्यों पहनती, क्योंकि थर्सडे है ना, थर्सडे के दिन में मैं येल्लो वगैरह पहनती हूँ, रहा सवाल कपड़ा लत्ता वगैरह इतना पुराना, अभी ये सब मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। अभी जो ज़रूरी मुझे वो सब चीज़ करना है। तो मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा से ज़ोर से भूख, मैं करूँगी नाश्ता। अभी मैंने बनाया है आलू भिंडी का भुजिया, जो कि मेरा फेवरेट है, वन ऑफ, और उसके साथ मैं लूँगी रोटी। आज मैं रोटी, सूखा रोटी इसलिए बनाई हूँ ना, क्योंकि गर्मी का समय है, ज़्यादा ऑयल खाना भी ठीक नहीं रहेगा सेहत के लिए। तो मैं नाश्ता करूँगी, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। 10:30 बजे बाबू बाजार जाएगी, ये देखिए मेरा नाश्ता, उसको मैं खाऊँगी फटाफट, उसके बाद जो थोड़ा सा बर्तन है नाश्ता का वो धो लूँगी, फिर मस्त बैठ के मूवी वूवी देखूँगी, और उसके बाद फिर दुकान की तैयारी करूँगी 2:30-3 बजे से। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो सके तो खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, सारी चीज़ें खाइए। और क्या बोलते हैं, यहाँ पर नौटप्पा लग गया है, मतलब नौटप्पा, आई डोंट नो उसका मतलब क्या होता है, तो ऐसा यहाँ कहते हैं कि यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ता है, उस हिसाब से आप लोग भी अपना केयर कीजिए। तो चलिए इसको खाते हैं, इसके बाद मुझे थोड़ी क्रेविंग होगी। देखिए इसी तरह वीडियो आएगी, और मैं एक बात बोलूँ, जितने लोगों को अनसब्सक्राइब करना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार कर लेना, ठीक है, फिर वो फिर सीढ़ी स्टार्ट होगा चढ़ना, तो होगा लेट से बट होगा। मैं ऐसे ही वीडियो लाऊँगी, पसंद आएगा तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करिएगा, नहीं आएगा नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं, होप नहीं छोड़ूंगी। ओके तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इसको खाना, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, ऐसे ही करके खाऊंगी थोड़ा सा। भिंडी का भुजिया के साथ में सूखा रोटी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ये देखिए। मेरा मन था कि मैं आज हलवा बनाऊं, फिर देखती हूँ कल होगा तो कल बनाऊंगी या बाद में। सूजी वाला मैं कहीं भी खा लेती हूँ, जहाँ पर मिले वहाँ, फिर खा लेते हैं।
नाश्ता कर ली हूँ। ये लीजिए आप सबके लिए डोंगरगढ़ का प्रसाद, पेड़ा पेड़ा लेके आई थी, एक मैं भी खा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, माता रानी का है। चलिए फटाफट थोड़ा जो नाश्ता का बर्तन धो लूंगी, फिर थोड़ा खाऊंगी। भैया पता नहीं मेरा ब्लैक का आइटम कब आएगा, इतना ज़्यादा मेरे को वो लग रहा है ना, ब्लैक नहीं है तो मुझे इतना ब्लैक, मतलब मेरे पास जब मैं वीडियो छोड़ी थी लास्ट, तभी मेरे पास एकदम मोटा सा ब्लैक सर्कल था, वो मैं खा गई और वो उनकी मैं हाथ नहीं दिखा सकती, मेरा बड़ा सा सेल स्टोन था वो भी मैं खा गई पूरा, और एक बड़ा सा ब्लैक बार था वो भी खा गई पूरा। वीडियो का मेरे को जरूरत नहीं पड़ा, मेरे को मन है तो मैं खा जाती हूँ, मैं खा गई। अब मेरे पास है नहीं, देखती हूँ थोड़ा थोड़ा सा ब्रोकन रखी हूँ ब्लैक का, उसको ऐसा कर ऐसा कर खाऊंगी। मैं नाश्ता कर ली हूँ, देखो भाभी ने मेरे को क्या ला के दिया, ये पकौड़ी ला के दी और ये पकौड़ी वाला कढ़ी। वाओ मस्त खट्टा खट्टा है ये, मैं थोड़ा सा खाई थी अभी, मेरा पेट भर गया ना, बस हो गया। भिंडी का भुजिया है, रोटी रखा है, रणवीर चावल खाता नहीं है, मैं अपने लिए चावल बना लूंगी, तो मेरे को चावल चाहिए, मैं चावल प्रेमी हूँ। इसमें मेरे ब्रोकेंस रखे हुए हैं, जिसमें मैं ज़्यादातर ब्लैक वगैरह को समेटी हूँ। मेरा मन है कि जब मैं वैष्णो देवी जाऊं तो वहां भी मैं पहाड़ चढ़ के ही जाऊं, माता का जब भी बुलावा है, लेकिन मैं ऐसा गर्मी में तो नहीं जाऊं, कल जाके बहुत पछता रही हूँ, भयानक गर्मी। मैं वहां जाऊंगी तो वही, अगर भगवान जी बुलाएंगे तो मैं ठंडा में ही जाऊंगी। ये पूरा ब्लैक ब्रोकन है, ब्लैक है इसमें, वाइट है, बहुत बहुत यम्मी। बस इतना खाऊंगी, चलिए फ्रेंड्स बाय, मैं मिलती हूँ लंच के टेबल पर, लंच पर, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करके बताना, और दूसरी बात है मैं पार्सल आएगा तो मैं इसी में डालूँगी ओपनिंग का वीडियो, ठीक है। चलिए मिलते हैं लंच खाते समय।